अजय नागर टू कैरी मराठी, आई वोंट से कि ऐसा कुछ फ़र्क है, ठीक है, दोनों सेम मैं ही हूँ, ठीक है, एज सच कुछ फ़र्क नहीं है, बट जर्नी थोड़ी ऐसी थी। आई थिंक आई स्टार्टेड 2014 में मैंने स्टार्ट किया था, तो जब मैंने सोचा था कि हाँ मैं सीरियसली यूट्यूब को करूँगा, तो तब मैंने स्टार्ट किया था। और पहली मैंने वीडियो डाली थी, कोई गेम प्ले डाला था, बहुत अजीब सा एक हॉरर गेम है उसका गेम प्ले डाला था, जिसके अंदर पीछे ऐसे पापा मम्मी की आवाज़ें भी आ रही हैं टीवी देखते हुए, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। वो अब मैं देखता हूँ तो काफ़ी ऐसे अजीब लगता है मुझे, नॉस्टैल्जिया ऑब्वियसली होता है बट अजीब भी लगता है। तो वो मेरी पहली वीडियो थी आई गेस, और फिर तब से फिर बनाते 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 मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट हर तरह का कॉन्टेंट ट्राई किया होगा जो मैं बना सकता हूँ। तो अब जाके फाइनली एक फिर आई थिंक अराउंड इन 2016 मुझे जो अभी कंटेंट मैं बना रहा हूँ वो मिला, मतलब वो मैंने बनाना शुरू किया, और तब से फिर चल रहा है। मैंने जब ये स्टार्ट हुआ थोड़ी अटेंशन मिलनी स्टार्ट हुई, तो शुरुआत में ऑब्वियसली थोड़ा सा क्योंकि मैं बचपन से काफ़ी शाय हूँ, तो उस टाइम भी काफ़ी ऐसे मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता था, मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता था जब कोई कहता था ऐसे अरे कैरी भाई, तो मैं बस ऐसे हो जाता हाँ भाई क्या हाल है। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो स्टार्टिंग में अजीब था, बट देन आई गॉट यूज टू इट, और उसके बाद आई गेस धीरे 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 करते करते जैसे जैसे चैनल ग्रो हो रहा है, और वैसे आई थिंक अट्रैक्शन भी ग्रो होती है, अटेंशन भी ग्रो होती है, तो अभी आई थिंक मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है, बट आई गेस आज से 3 साल पहले आई वॉज प्रीटी मच क्लूलेस। आई बिलीव इंडिया में देर इज व्हाट आई बिलीव इज कि इंडिया में बिकॉज ऑफ पबजी गेमिंग का काफ़ी बूम आया है, लोगों के अंदर वो कि गेमिंग का क्रेज आया है, जिसकी वजह से लोग गेमिंग देखना चाहते हैं या फिर गेमिंग को समझ पाते हैं। आई थिंक पबजी उसका काफ़ी अच्छा मीडियम रहा है, एंड आई गेस अभी भी काफ़ी टाइम है लोगों को जब वो मे बी किसी आई थिंक कंसोल गेमिंग पे शिफ्ट होंगे या फिर पीसी गेमिंग पे शिफ्ट होंगे, बिकॉज आई बिलीव कि अगर तुम एक गेमर हो या फिर तुम गेमिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो नॉट जस्ट मोबाइल बट आई थिंक तुम्हें सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तुम्हें कंसोल भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, तुम्हें पीसी भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, और मोबाइल तो ऑब्वियसली करना चाहिए। बट येस, मोबाइल एक बहुत बड़ा मीडियम है गेमिंग को आगे बढ़ाने का, और वो हमें नहीं भूलना चाहिए। और ऐसे धीरे धीरे करते करते मे बी इन नेक्स्ट 2 or 4 years हम गेमिंग को रादर देन बीइंग लाइक अ लग्जरी एक नेसेसिटी की तरह देखेंगे, तो वो काफ़ी अच्छी बात होगी और बड़ी बात होगी। आई गेस समटाइम्स ये फेज आते हैं लाइफ में कि व्हेन यू फील कि अब ऑब्वियसली आई नो कि ये मेरा काम है वीडियो बनाना, ठीक है, एंड आई रियली लव इट, बट कभी कभार ऑब्वियसली इन चीज़ों में इट्स लाइक ये एक प्रोसेस है, ठीक है, कभी कभार यू वोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, तुम्हारा बस मन करेगा ये सब छोड़ो, ठीक है, हम जा रहे हैं तिब्बत या लद्दाख, कुछ नहीं करना है, बस पहाड़ों पे चले जाओ और वहाँ पर ऐसे बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जियो अपनी, वैसा मन करता है कभी कभी, बट आई गेस वही टाइम्स होते हैं जब तुम्हें और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ताकि जो तुम्हारी स्किल है वो थोड़ी और डेवलप हो सके। तो आई वोंट से कि मैं ऐसे फील करता हूँ कि आई एम स्टक, आई फील कि मेरे पास एक बेस है जिसके साथ आई थिंक जैसे जैसे मैं ग्रो होऊंगा, जैसे जैसे मैं अपनी चीज़ें डिस्कवर करूंगा, वैसे वैसे मैं उनको वो चीज़ें दे सकता हूँ। मे बी वो स्टार्टिंग में उसको इतना इन्जॉय ना करें, बट धीरे धीरे आदत तो ऐसी लगती है, ठीक होगी, तो आई डोंट थिंक आई एम स्टक।